भाई यहीं से वो भेज देंगे सबको। लास्ट में हम लोग आखिर में पहुंचे हुए। बहुत ही अच्छा लगा, आप देख सकते हैं दामोदर नदी का आवाज आ रहा है, पानी का झरना भी दिख रहा दिख रहा दिख रहा। और ये बहुत ही अच्छा जगह है, संगम स्थल है कहिए भैरवी नदी और दामोदर नदी का, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग जरूर आइए, दर्शन जरूर करिए, माता का दर्शन करिए। बहुत अच्छा है यहाँ पे लोकेशन, एरिया फोटोशूट के लिए, सब चीज़ के लिए, फैमिली टाइम है कहिए कि फैमिली का लोकेशन है, जरूर आइए। थैंक यू। ये देखिए आप सभी देख रहे हैं, ये राजप्पा मंदिर हम लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। और ये राजप्पा मंदिर का ये परिसर है, बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है चारों ओर मंदिर। बहुत अभी हाल के दिनों में और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन आप ये जो सामने जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये भव्य मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। सबसे प्रथम पहली बार इसको पहले सर्वप्रथम यही सब मंदिर बना हुआ था, और इसको प्राचीन मंदिर का हम दर्जा दे सकते हैं। ये काली माँ का मंदिर है, और आगे हम लोग मतलब मुख्य द्वार जो गेट इधर मुख्य द्वार के बाद हम लोग ये मंदिर पे यहाँ आए हुए हैं, जो कि काली का ही मंदिर है। तो आप देख सकते हैं हमें कितना सुंदर अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं, और सामने में ही आपका दामोदर नदी है, जो अपनी गर्जना से इस शांत माहौल को चीर रही है। देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा, सुंदर दृश्य, मनमोहक धार्मिक स्थल। आप सभी यहाँ आएँ और इस मंदिर परिसर का आनंद लें, और माँ छिन्नमस्ते के दरबार में आप सच्चे मन से कोई भी कामना करते हैं तब की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है। और बहुत लोगों की मान्यता यहाँ पूरी हो चुकी है, जो गस्ते हैं यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, सभी की मनोकामना माँ छिन्नमस्ते का पूरा करती है। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि आप भी आएँ मंदिर परिसर में और भक्ति भाव से उनका दर्शन। धन्यवाद। जय मच्छी आई आई से भेज देंगे सबको। फिर होशी लेंगे हाँ वही पूजा कर लेंगे।